तो ये करिए, फिर देखिए आपका क्या होता है, और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विक्की। तो आज मैं, हालांकि ब्लॉग्स तो मैं रोज़ में कंटेंट्स डालता हूँ आप देखते हैं, लेकिन आज जो मैं कंटेंट डालने वाला हूँ ना, वो एक पढ़ाई से रिलेटेड है, नॉलेजेबल। इट्स अ सरप्राइज। यस, आज हम करेंगे पढ़ाई, ज्ञान की बात। ज्ञान जो लिया है वही ज्ञान आपको हम बांटेंगे। तो गैस, जैसा कि ऐसा है, YouTube में आपने देखा होगा कि जो न्यू YouTube चैनल जो क्रिएट करते हैं, न्यू व्लॉगर्स हैं, तो वो परेशान रहते हैं कि मेरे चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है। तो गैस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है चैनल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक आपका गूगल अकाउंट मांगता है। यूट्यूब बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको एक अपना गूगल अकाउंट क्रिएट करना होता है, एंड उसी गूगल अकाउंट पे आपका YouTube चैनल क्रिएट हो जाता है। डेट्स ऑल। ना ये कोई आदमी है कि भाई आपका चैनल ज़्यादा चलाएगा या उसका चैनल कम चलाएगा। एक्चुअली YouTube एक प्रोसेस है, उसका एक एल्गोरिथम है, उस हिसाब से वो चैनल्स को अपडेट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने अच्छा डाल दिया कंटेंट तो मेरा चल जाएगा, या उसने नहीं डाला, उसने अच्छा डाला तो उसका चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज मैं आपसे 5 बातें ऐसी शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो उसमें आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। तो कैसे और कौन सी 5 बातों पे आपने ध्यान रखना है, आज वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज का ब्लॉग। मैं आपका दोस्त विकी, और मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाल कलर का बेल का बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब करें दबा के। सो लेट्स, ज़्यादा देर ना करते हुए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ तो गाइस, वो 5 बातें जो आपके एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को अच्छे व्यूज़ दिला सकती हैं, अच्छे सब्सक्राइबर दिला सकती हैं, तो वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। पहला, सबसे पहली बात तो आप अपने हिसाब से कोई भी वीडियो बना के मत डालिए, क्योंकि ये देखिए कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस किस पे व्यू, ऑडियंस ज़्यादा आजकल चाह रही है कि भाई वो चाहे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, बुक आर्ट से रिलेटेड हो, या फूड से रिलेटेड हो, कि ऑडियंस को क्या पसंद है। उस टॉपिक पे आप वीडियो डालते हैं तो आपको जल्दी, मतलब आपको जो वीडियो होता है उसको आपको जल्दी व्यूज़ मिलते हैं, जल्दी सब्सक्राइबर मिलते हैं। सेकंड, सबसे पहली बात, अपनी वीडियो बनाइए। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे की वीडियो के क्लिप डाल के आप बना रहे हैं, वो एक गलत चीज़ हो जाती है। एक साफ़ सुथरी अपनी वीडियो को बनाइए और अपलोड कीजिए, चाहे वो जैसी भी आपको आती है, कोई बात नहीं। आपको व्यूज़ आएंगे, आपको कमेंट आएंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे आप उसे सुधार सकते हैं। पहली बात तो ये। सेकंड, जो बिग यूट्यूबर्स हैं उनको आप फॉलो करिए, उनके जो कमेंट्स आते हैं उन पर आप देखिए कि क्या कमेंट आ रहे हैं, कि ऑडियंस क्या पूछ रही है उनसे कि भाई ये कैसे होगा। जैसे कोई उन्होंने टॉपिक पे कोई चीज़ वीडियो बना के डाला, तो कमेंट में कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा, अच्छा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उस चीज़ को पकड़ के आप अपना एक कंटेंट बना के डालिए कि ये इस तरह हो सकता है, अगर आपको नॉलेज है उस बारे में तो। ठीक है जी, सेकेंड चीज़ हो गई। तीसरी बात, सबसे जो मेन बात है, कि एक अच्छा कंटेंट बनाइए। थंबनेल आपका एक अच्छा होना चाहिए, ताकि जो प्रेजेंस कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो जो आपका थंबनेल है वही सबसे पहला इंप्रेशन होता है जब सर्च बार में आता है, तो बंदा उसी को देख के एक सस्पेंस क्रिएट करिए अपने वीडियो में। कि ये नहीं कि आप पहले ही बता दें जी मैं ये बनाने जा रहा हूँ या ये मेरी कहानी है, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो बंदा उसको देखता है कि यार आखिर वीडियो में है क्या। तो इस तरह भी आपके व्यूज़ बढ़ सकते हैं। सेकंड, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, चाहे वो ट्विटर हो आपका, हाँ, फेसबुक हो, उन पे आप एक्टिव रहिए, उन पे भी आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आती है मेन 5, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़िए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर आप कंटेंट डालते हैं तो डेफिनेटली आपके चैनल को बूस्ट मिलता है, एक ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं जिनके थ्रू आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं गाइस। तो बाकी आपका लक है। कई बार क्या होता है, छोटे क्रिएटर्स को भी आप उनका चैनल देख सकते हैं, क्योंकि हर भले ही उनके कोई सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ कम है, लेकिन वो कंटेंट ऐसा डालते हैं कि कई बार वहीं से भी आपको एक क्लिक मिलता है कि हाँ यार इस कंटेंट पे कहीं टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये कंटेंट हमें भी बनाना चाहिए। तो काइंडली ऑल्सो फॉलो स्मॉल क्रिएटर्स
वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ज्ञान लीजिए गाइस, बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस पे जाइए, और जो उन्होंने सबसे पहले अपना स्टार्टिंग में जो वीडियोस डाले थे जब उन्होंने चैनल चालू किया था, उसको देखिए। उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि किस तरह पहले उन्होंने वीडियो डाला और अब जो इस लेवल पे आ चुके हैं किस तरह के वीडियो वो डाल रहे हैं। तो उससे भी आपको एक नॉलेज मिलती है कि क्या क्या हमें चीज़ें सुधारनी चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। पांचवी बात यह है, अगर आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए तो छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़िए और उन पर एक स्मॉल वीडियोज़ डालिए। ये नहीं कि आपने 7, 8, 10 मिनट की वीडियो डाल दी, चाहे वो 2 मिनट की वीडियो हो, लेकिन कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस के समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो छोटे टॉपिक्स, टॉपिक आप बढ़िया लीजिए, उस पर एक छोटा कंटेंट बनाइए, लेकिन धांसू कंटेंट बना के उसे डालिए, तो उस पर भी आपको एक अच्छे व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस तरह अगर आप करते हैं, तो मैंने आपको पाँचों चीज़ शेयर की है, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो इस तरह आप अपने व्यूज़ अपने चैनल पर गेन कर सकते हैं, न्यू सब्सक्राइबर को आप मतलब अपने उसमें चैनल में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, तो ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये 5 बातें पसंद आई तो काइंडली एक बढ़िया सा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त विक्की, साइन ऑफ।